सेवा ओकारेश्वर नगर परिषद अध्यक्ष अंतर सिंह बारे ने एनएचडीसी पर संगीन आरोप लगाते हुए भड़क उठे। एनएचडीसी बदनाम करने की धमकी देते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दे डाली। एनएचडीसी के जनरल मैनेजर प्रशांत कुमार दीक्षित के द्वारा नया झूला पुल जीर्णोद्धार के लिए मंधाता विधायक नारायण पटेल को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में ओकारेश्वर नगर परिषद के अध्यक्ष अंतर सिंह बारे सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता आयोजन में पहुंचे। मंधाता विधायक के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ता भी एकत्रित हो गए और नगर परिषद अध्यक्ष अंतर सिंह बारे ने एनएचडीसी पर संगीन आरोप लगाते हुए ओकारेश्वर बांध से पानी रोकने पर जितने भी घटना दुर्घटना हो रही है उसका जिम्मेदार बांध प्रबंधन को ठहराते हुए मोर्चा खोल दिया। मंधाता विधायक व एनएचडीसी जीएम किरकिरी होते देख सभी अधिकारी दबे पांव चलते बने के साथ, चाहे जैसे अंतर भाई ने कहा आक्रोश के साथ, ठीक है हम लोग मिलजुल के उनसे लड़ाई लड़ेंगे कि हमें हमारा अधिकार दिया जाए। लड़ने वाली बात नहीं है, अधिकार के लिए लड़ना है कि भैया ठीक है हम जनप्रतिनिधि का एक दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र के लिए मांग करें। हम विधानसभा में बैठते हैं तो बड़ी ऊंच नीच बात होती है और अपने क्षेत्र के लिए हर आदमी लड़ाई करता है। जो बातें उन्होंने कही वो काफ़ी विगत वर्षों की हैं, वो 10-15 साल की जो बात कह रहे हैं तो एक समय निकल गया है। मैं ये कहूँगा कि वर्तमान में हम लोगों ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं। अभी पीछे उसमें भी किया, कोरोना का लॉकडाउन था उसमें किया, अभी एम्बुलेंस का भी किया, ये कार्य भी कर रहे हैं और अन्य कार्य भी प्रस्तावित है इस साल के लिए, तो हम सतत प्रयासरत हैं। अब पूर्व का तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरी परिषद और मेरे पार्षदों ने मिलने का ये निर्णय लिया है आज और मैंने व्यक्त आक्रोश इसलिए जाहिर किया है कि बुलंद आवाज़ करने से ही मिल पाएगा, इसलिए मैंने विधायक जी और मेरी सरकार से आपके माध्यम से और पत्रकार साथियों के माध्यम से और जनता के माध्यम से मेरी आवाज़ उठाई है कि मेरे ओंकारेश्वर के अंदर जो आज के दौर पर जो एनएचडीसी का जो प्ररोप और जो जिस प्रकार से अन्याय किया जा रहा है वो थम जाए और सरकार के माध्यम से और यहाँ ओंकारेश्वर को न्याय मिले, खेल मैदान और घाट वगैरह।